तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू, सारी रातें। माँ तो एक बड़ा ही संसार होता है जो अपन जहाँ से जन्म लेते भी नहीं है वहाँ से भी माँ का रोल आ जाता है। फर्स्ट टीचर जो है मदर ही होती है अपनी, जो भी सारे संस्कार वगैरह ये सब चीज़ माँ के द्वारा ही सीखा जाता है। माँ एक वो शब्द है कि जिसे शब्दों में बयां करना शायद मेरे बस में नहीं, मेरे क्या इस दुनिया में किसी के भी बस में, क्योंकि ये एक शब्द नहीं, एक इमोशन है, एक जज्बात है जो सिर्फ माँ बनने के बाद समझ में आता है। पर हाँ, अपने बच्चे होने के बाद अपने पूरा अपना जो भी जीवन है मतलब अपने बच्चे के लिए हो जाता है, मतलब उसके लिए सोचना फर्स्ट फीलिंग में यही आती है, कुछ लेना है तब नहीं, पहले अब चल पहले इसके लिए ले लेते हैं, कुछ खरीदना है तो लाइक चल यार उसके लिए लेते हैं अपन बाद में ले लेंगे। बच्चे आने के बाद एक लाइफ जीने का अपने को बहुत अच्छा मोटिव मिल जाता है कि हाँ उनका तो कोई डे नहीं होता, लाइक मदर्स डे इज नॉट अ वन डे, बिकॉज हर डे हर दिन माँ का होता है मेरे हिसाब से, लेकिन एक माँ की फीलिंग्स तो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। माँ के प्यार से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं, हर लड़की माँ बने बगैर और माँ के बगैर। हैप्पी मदर्स टू ऑल ऑफ यू। आइडली हमें मदर्स डे हर दिन मनाना चाहिए, अगर हम हर दिन भी मनाएंगे तब भी हम उनका जो उन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया, जो उन्होंने हमारे लिए डेडिकेशन दिखाया, वो हम एक दिन में क्या पूरी जिंदगी में भी नहीं पूरा कर सकते। तो एक माँ बनने का एहसास सिर्फ माँ बनकर ही हो सकता है, माँ एक पूजा है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, माँ एक ऐसा स्पर्श है जिसको हम खुद माँ बनकर महसूस करते हैं। बसाए तू तुझको मैं दू सब जो चाहे तू सारी रात।